खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा के साल बोझी नंबर एक के लकड़ी व्यवसायी सचिन ग्रोवर द्वारा दबंगई दिखाते हुए डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए पड़ोस के ही टाल के चौकीदार कुलदीप ने व्यापार मंडल तथा वन व्यवसाय संघ के नेतृत्व में कोतवाली में शिकायत पत्र सौंप कर ग्रोवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र के अनुसार सचिन ग्रोवर द्वारा वन विभाग से झूठी शिकायत किया गया, जिसमें उसने वन विभाग की टीम को जली हुई लकड़ी की जड़ को पड़ोस की लकड़ी की टाल के पास दिखाया और टाल में जबरदस्ती घुसकर चौकीदार को डराया धमकाया तथा गाली गलौज किया। वहीं बताया गया कि ग्रोवर अपने आप को चाटकारों का संरक्षण प्राप्त बताकर जेल भिजवाने की धमकी तथा पड़ोस का टाल सीज कराने की धमकी देने लगा है। वहीं सूचना पर पहुंचे टाल स्वामी से भी गाली गलौज करते हुए अभद्रता की गई, साथ ही सारे लकड़ी व्यवसायियों को भी गाली देने का आरोप सचिन ग्रोवर पर लगाया गया। वहीं इस मामले में टाल स्वामी चारू तिवारी ने बताया कि चौकीदार ने कहा कि सचिन ग्रोवर वन विभाग की टीम के साथ मौके पर आकर डराया धमकाया तथा गाली गलौज किया है। उन्होंने बताया कि उसके द्वारा आए दिन परेशान किया जाता रहा है। चारू तिवारी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं एसएसआई अशोक कुमार ने बताया कि वन व्यवसायियों ने सचिन ग्रोवर पर उनके काम में बार बार हस्तक्षेप कर परेशान करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया है। इसमें जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ग्रोवर नाम का एक ठेकेदार आया, क्या बात हुई और क्या बवाल हुआ? मैं मौके पर मौजूद नहीं था, चौकीदार ने सूचना दी। चौकीदार को आके धमकाया गया उसके द्वारा और वन विभाग की टीम के साथ पहुंचा और प्लाट में कर्मचारी को डरा धमका रहा था। तहरीर में हमने कोतवाल साहब को बता रखा है, ये आए दिन हमें परेशान किया जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। चारू तिवारी। सर, आज लकड़ी मंडी के वन व्यवसायिक संघ के व्यापारी आपके पास आए हुए हैं और इनका आपस में कुछ झगड़ा सा हुआ है, क्या क्या पूरा मैटर है और क्या कार्रवाई होगी इसकी? जी, अभी आए हैं, सामने बैठे हैं। इन लोगों का ये एलिगेशन है कि सचिन ग्रोवर जो है वो बार बार उनके कामों को इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है नहीं, और उनके खिलाफ झूठी शिकायतें फॉरेस्ट को दे रहा है। इस संबंध में इन्होंने दरखास्त दी है, उसमें जाँच की जाएगी, अगर कोई दोषी होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इससे पहले जो इनका प्रकरण दिया था उसमें सचिन ग्रोवर के द्वारा ही कुछ लोगों पर FIR दर्ज कराई, वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इनके द्वारा जो दी वो अंडर इंक्वायरी है।